कटिहार के घोड़ा में मक्का से लदे ट्रैक्टर लूटकांड में पुलिस को मिली सफलता। कुल 10 अपराधी गिरफ्तार। देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, बाइक के साथ लूटी गई ट्रैक्टर और मक्का हुआ बरामद। कटिहार जिले के कोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों कोलासी पंडित मोड़ के पास से हथियार का भय दिखाकर अगवा कर मक्के से भरे ट्रैक्टर को अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए लक्की नामक अपराधी को गिरफ्तार किया था। उसी के आधार पर कटिहार पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान पर कटिहार से कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना का उद्भेदन करने हेतु कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा घटना का उद्भेदन किया गया। इस संबंध में कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस तरह के अपराध में कुछ मक्का खरीद बिक्री करने वाले लोग भी शामिल थे। वहीं घटना में शामिल एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल, 1 टैप सहित 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। वहीं अपराधियों द्वारा लूटी गई ट्रैक्टर एवं मक्का भी पुलिस बरामद कर ली है। थाना अंतर्गत कोलासी पंडित मोड़ के पास हम लोगों को तीन चार घंटे के बाद सूचना प्राप्त हुई कि एक मकई से लदा हुआ ट्रैक्टर था, जिसको कि अपराधियों ने हथियार के बल पर वो पूरा सामान उसका जो है पूरा लूट लिया और ड्राइवर को जो है इन लोगों ने बंधक कर दिया। इसमें एसडीपीओ कटिहार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन हुआ और तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है और जो आसूचना संकलन है जो ग्राउंड लेवल पर, उसका सहयोग से एक अपराधी जिसका नाम लक्की है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, तो उस पर त्वरित गति से जो है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला जो है खुल गया। इसमें जो मकई खरीदने वाले जो कुछ लोग हैं वो लोग भी शामिल हैं, जो कि एक उनको कहा जा सकता है कि वो लोग व्यापारी किस्म के लोग हैं, वो लोग भी इस अपराध में शामिल हैं। तो टोटल 10 लोगों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किया है और जितना भी सामान था और ट्रैक्टर था, मकई का जो भी था, वो सब बरामद हुआ है। एक देसी कट्टा है, एक देसी पिस्टल है, 3 जिंदा गोली है, सब बरामद है। मोबाइल जो है 8 मोबाइल है, 1 टैब है, ये बरामद हुआ है इन लोगों के पास, और 3 मोटरसाइकिल थे। इन लोगों ने घटना को जो अंजाम दिया था वो तीनों मोटरसाइकिल जो है बरामद है। तो ये पूरी टीम के द्वारा जो है काफ़ी अच्छा काम किया गया है। 24 घंटे के अंदर पूरा केस जो है ये हमारा अनुसंधान जो है इसमें कंप्लीट है और इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे। लुटेरा गैंग है ये लोग? हाँ, ये गैंग है। इसमें ये घटना जो हुई उसके अलावा आप लोग को याद होगा कि सेमापुर रोड में एक ट्रैक्टर जो चालक था उसको गोली लगी थी, उसमें इन लोग सामान को, मकई उसमें भी था, उसको लूटने में ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। तो ये लोग बेचैन थे, ये डेस्परेट थे, कहीं ना कहीं ये लोग फिर से घटना करते अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते। तो इसमें हमारा 2 केस खुल रहा है, कोढ़ा का ये जो कल की जो घटना थी और एक जो है 26 अप्रैल की जो घटना है, जिसमें ड्राइवर चालक है उनका नाम है राजेश ऋषि, जिनको की गोली लगी थी और उसमें भी जो है यही पूरा गैंग था और ये पूरा गैंग को जो है हम लोगों ने डिटेक्ट किया है और टीम ने इसमें काफी अच्छा काम किया। सभी बाहर के हैं या फिर स्थानीय? नहीं, सब यही के हैं, अगल बगल के हैं। लूट की सामग्री पूरी सामग्री बरामद है। जो अपराधी 10 अपराधी पकड़ाए हैं, इसका अपराधी इतिहास क्या रहा? हाँ, इस बताए, एक तो 26 अप्रैल का जो है वो घटना जो हुआ है उसमें ये लोग पूरा लोग था, पूरे लोग थे। उसके अलावा जो है कुछ इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, जैसे आपको याद होगा जनवरी में मैं जब ज्वाइन किया था 2022 में, तो एक जो अंकुश नाम का लड़का था जो मर्डर केस में जो गया था वही इसमें भी है। तो इनका आपराधिक इतिहास है, हम लोग हर थाने से इनका खंगाल रहे हैं और उसको हम लोग विधिवत जो है हम लोग केस डायरी में अंकित करके इनका स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। थैंक यू।